ये हमारा सफर शुरू होता हुआ और हम चल दिए पेड़ों को देखने। ये देखिए नजारे। लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रो। जंगल सफारी तो हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट व्यू आपको दिखा सके। सो हेलो गाइस, और हम यहाँ अलवर में रुके हुए हैं। पीछे होटल है, होटल डायमंड, और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। हमें जाना है सरिस्का नेशनल पार्क, और करीब 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और करीब 1 घंटे अभी जाने में लगेगा हमें। वहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 से 9:45 तक वहाँ पर एंट्री है, और उसके बाद फिर वहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है। तो हमें जल्दी पहुँचना है वहाँ सुबह ही। अब यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं, सब पेमेंट वेमेंट डन करके चेकआउट करके यहाँ से चलते हैं आगे। ये देखिए इधर कन्यावन की तरफ से रास्ता जा रहा है सरिस्का नेशनल पार्क की तरफ, और ये पहाड़ी पहाड़। यहाँ पीछे मेरे पहाड़ है, और पहाड़ के बिल्कुल जस्ट सामने हम खड़े हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल पहाड़ है, साफ सुथरा सा पहाड़ है, और बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। देखिए कितना सुंदर पहाड़ है। ये रोड सीधा सरिस्का नेशनल पार्क जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क। दिस इज द बेस्ट व्यू ऑफ माउंटेन। क्या ब्यूटीफुल पहाड़ है। उधर भी पहाड़िया है, यहाँ पे फोर्ट बने हुए हैं अच्छे अच्छे। और ये सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए दीपक भाई, सुबह सुबह चाय की चुस्कियां गोला भाई। और जब तक चाय में बिस्कुट ना डूबे, जब तक चाय पीने का मजा ही क्या। ये बिस्कुट जाता हुआ, वाह। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका यहाँ पर टिकट विंडो है वहाँ पे। तो भाई सेंट्रल सर्विसेज शॉप टिकट विंडो। ये सरिस्का नेशनल पार्क के लिए यहाँ से टिकट विंडो है, यहाँ से हमें सफारी वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1 बजे ही आप सफारी ले सकते हैं, उससे पहले सफारी नहीं मिलेगी। हम यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क पे, यहाँ पे बुकिंग सेंटर है, यहाँ से टिकट लेते हैं। और आइए आप ही कैब वगैरह भी यहाँ पे इजीली ले सकते हैं, यहाँ पे अंदर ही शॉप है भैया की, यहाँ पे कैब्स वगैरह परचेज कर सकते हो आप। मिलवा देता हूँ भैया से, जब भी आप यहाँ पे आओ भैया से आके यहाँ पे आप कैप जैकेट सभी चीज़ ले सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? छोटे लाल गुजर भैया है। इनसे कुछ भी आपको लेना हो यहाँ पे अच्छे से रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आपके पास अगर कैश भी ना हो तो गूगल पे वगैरह सब एक्सेप्ट करते हैं भैया। और ये अंदर भी दिखा देता हूँ आपको, अच्छा सा म्यूजियम बना रखा है छोटा सा, ताकि इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हर चीज़ की, मैं दिखा देता हूँ आपको। आइए देखते हैं, ये देखिए म्यूजियम, सरिस्का टाइगर रिजर्व हार्ट ऑफ अराइवल म्यूजियम है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए टाइगर, डोंट टच। इधर भी है, बहुत ही प्यारा ये म्यूजियम है। इनको ये टाइगर मार के खा रहा है, और ये दूसरा टाइगर भी लग रहा है उसे देख रहा है छुप के, काफ़ी सारे हिरन्स हैं। देखिए इधर यहाँ पर मेरे सामने जैसे मैप बना हुआ है, इसमें चाइना मंगोलिया फिलीपींस बांग्लादेश भूटान नेपाल, हम किधर हैं, पाकिस्तान है तो इधर गई हैं।
इधर गई है, हम इधर यहाँ गई है। म्यूजियम को देखते हैं भी अच्छे से। इधर देखिए म्यूजियम में, ये देखिए, व्हाट अ गेस्चर, अच्छा गेस्चर, अच्छा गेस्चर। ये यहाँ पे टिकट काउंटर के बाद हमें ऐसे एक पर्चा मिल गया है और इसमें हमारे नाम की डिटेल्स है सारी। भैया है अशोक, आज हमें यही लेके जाएंगे, पूरा इनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी, हमें पूरा घुमाना है अच्छे से, सफारी की सफारी हमें यही कराएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये किसी को भी जगह नहीं बताएंगे कहाँ पर इनके जानवर है। ये देखिए हमारी धन्नो, आज हम ही हमारी सफारी, यही है हमारी सफारी। चलो जी, ये हमारा सफर शुरू होता हुआ और हम चल दिए हैं शेरों को देखने। Let's get started, bro. सुबह शेर ने नाश्ता बिग भाई होगा ना, है ना, तो इस टाइम वो टट्टी करना आएगा, तो टट्टी करते हुए देखेंगे आपसे। तो हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट व्यू आपको दिखा सके। ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एंट्री होती है गाड़ियाँ, जंगल ही जंगल, आज करेंगे जंगल में मंगल। आते हम चलते हुए, जय श्री राम। ये देखिए यहाँ पर, ये सांबर बोलते हैं ना, स्वयं डियर घूम रहे हैं यहाँ पर, ये और जंगली सुअर, एक यहाँ पर ये जंगली सुअर है। तो ही रहना, तो यहाँ शेर भी जरूर होंगे यार, दो सिंगा है ना यहाँ पे, हाँ दो सिंगा, 12 सिंगा ऐसे होगा। टाइगर्स का जो पता चलता है उनके दो तरह से पता चलता है, एक तो उनके जो है डेफिकेशन से और दूसरा उनके पगमार्क से। ओके, पगमार क्या होते हैं? पगमार्क क्या होते हैं? मेरी जैकेट में पीछे छतरी, दिस इज द पगमार्क, पैरों के निशान शेर के। क्यों जी, अगर ट्रायंगल होता है तो फीमेल होती है, चोकोर होता है तो मेल होता है, ऐसे है ना कुछ? हाँ। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई है हमें। जंगल सफारी पर हम सब जुड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। अभी तो गधे दिख रहे हैं, चार इसमें साला शेर कब आएगा? वीडियो वाले कहेंगे ना गधे दिख रहे हैं, चारों के चारों शेर कब आएगा? इधर पीछे पूरा खूबसूरत जंगल ही जंगल है, जंगल में मंगल नहीं हो रहा पर अभी तो, हम मंगल करने की तलाश में, हमें कुछ मिल जाए मंगल में हो जाए, मंगल हो जाता पर इन्होंने कर नहीं दिया। कोई नहीं, मंगल तो आज वैसे भी है। जहाँ पे अंदर को जाएंगे ना वहाँ पे अपनी चोंच को ना बंद रखियो, क्योंकि शेर ऐसे बिल्कुल शांत में जाते हैं ना तो वो दिख जावे, जब बोलते हुए दिखते हैं ना तो वो अंदर चुप जावे, शर्मा जावे है इनको। है नहीं, ये हमें उसमें बताए थे जिम कॉर्बेट में, ले भाई बदल गया रास्ता, ये रास्ता बदलता हुआ। बहुत ही शांति है यहाँ पर। झील देखिए कितनी प्यारी सुंदर झील है, दिख जाते हैं यहाँ से क्रोकोडाइल पास में आना खतरनाक हो सकता है इसके, है नहीं भैया?
जाएंगे वो। ये देखिए पीछे लेक थी, हमारे पीछे इधर यहाँ लेक है, क्रोकोडाइल लेक, और लेक से आगे हम बढ़ रहे हैं। कहाँ? यहाँ पे क्रोकोडाइल है, सांभर तो है उधर, वो स्वैम डियर तो। ये सामने है ना, ये पानी के किनारे है। हाँ सामने बड़ा लकड़ी में दिख रहा है, कहाँ ये झाड़ी। हाँ हाँ ये पड़ा तो है, ये वाला सामने यहाँ पे, ये भाई कांटे वांटे भी हैं, मोर क्रोकोडाइल्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, ज्यादा मत तो देखिए वाला, ये वाला जो है, हाँ ये वाला देखिए, ये जो दिख रहा है ना ये सामने, ये हलचल बिल्कुल यहाँ पर, ये ही है क्रोकोडाइल, ये देखिए इस पॉइंट पर, ये राइस पॉइंट पे यहाँ पर क्रोकोडाइल, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स इसके अंदर। तो इसमें वहाँ पास में जाना अलाउ नहीं है, हम दूर से इसलिए वीडियो शूट कर रहे हैं इसकी, बिल्कुल सेफ जोन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्रोकोडाइल है, वहाँ पास में जाना अलाउ नहीं है, दूर से वीडियो शूट कर रहे हैं। दम जंगली इलाका, यहाँ पे महाराजा मूवी गोविंदा की शूट हुई थी, और मैंने वही गेटअप आज बनाया हुआ है, महाराजा वाला गोविंदा का। ये देखिए कैसे रस्ते हैं, एकदम पथरीले रस्ते हैं, यहाँ पर ये जिप्सी जा रही है, ये वो है देखो मोरनी, मोरनी लग रही मोटी सी वो, अबे अंडे दे में है ये भाई, चारों तरफ लंबी नजर रखियो, दूर से भी दिख जावे तो सबको दिखवा दियो, कभी चुपचाप देख लो। पता है एक चीज, हाँ। अपने एक काम की इन्फॉर्मेशन में पता लगी है कि यहाँ पे दो शिफ्ट होती है, अगर कभी भी आपको सरिस्का नेशनल पार्क आना हो तो दो शिफ्ट होती है, पहली शिफ्ट जो है वो 7 बजे की है, 7 बजे जो एंट्री हो जाती है उनके 10-11 बजे तक वो छुट जाते हैं, 31 जून से, हाँ, और 31 सितंबर तक जंगल बंद रहता है, उसके बाद 9 महीने खुला रहता है, कुछ भी हो जाए तो। हाँ 31 जून को बंद हो जाता है, और 1 अक्टूबर को खुलता है, फिर दोबारा, फिर 9 महीने चालू रहता है ये। अच्छा, ये बीच में 3 महीने बंद रहता है, ओके ओके, बरसात के टाइम में बंद रहता है। इसका जो टाइमिंग है, हाँ, जो विंटर टाइम है वो करीब 7 o'clock जो फर्स्ट सफारी का है, हाँ, वो 10 o'clock समथिंग एग्जिट हो जाती है, हाँ, और दूसरा जो स्लॉट चलता है वो 2 o'clock एंट्री है, 5:30 एग्जिट टाइम है उसका, ओके ओके, और समर टाइम में थोड़ा जल्दी एंट्री टाइम है 6 o'clock के आसपास, ओके ओके, एंड 10 o'clock एग्जिट है, और वो लेट होता है करीब 3:30 के आसपास एंट्री है, और 6:30 के आसपास एग्जिट है, ओके ओके, बिल्कुल, थैंक यू आपने। और ये जो हम सफारी कर रहे हैं इसका जो किराया है वो 5,000 रुपीज़ है, 5,000 रुपीज़ में हम मैक्सिमम 6 जने तक इसमें जा सकते हैं। अरे राजेश भैया, राजेश जी हमें पगमार्क जरूर दिखाना, पगमार्क देखते चलना, पगमार्क क्या होते हैं, पैरों के निशान जो मेरे एकदम, अभी तक तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे देख दूर तक, देखिए दूर दूर तक कोई भी हमें दिख नहीं रहा, सिर्फ मोर और मोरनी दिख रहे हैं, और कभी कभी डियर दिख जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है भैया, नेशनल पार्क एकदम खाली नजर आ रहा है। डियर कौन? डियर जानू, डियर बेबी जानू, लव यू, दिख जाते हैं, मोर बस यहाँ पे मोस्टली मोर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जंगल में मोर नाचा और सबने देखा, मोटा है कुछ, मोटा भैंसे हैं यार, भैंस शिट यार, ये बोला कुछ तगड़ा जानवर है तो भैंसे तो निकल आई है। वो तेंदुआ जो था पेड़ पे चढ़ा हुआ था तो उसे डार्ट मार के बेहोश करना था, उसने एकदम जंप मार दिया, उनकी है हड्डी पूरी तोड़ दी थी एक ही पंजे में, लेकिन वो उधर से आ गया होगा ना, ये क्या बोलते हैं अपना बिजनौर से आ गया, पूरा खादर से आ गया, वही लगा यार, सब वाइल्ड लाइफ ही तो है वहाँ, सेंचुरी ये बस। अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा, मोर दिख रहे हैं, और टाइगर लेपर्ड जंगल के डॉग स्पीसीज में हाइना जैकल
था जो लेके गए हैं, वाइल्ड बोर है, उनसे एंटीलोप है, डियर है, इतने खतरनाक जानवर है यहाँ पर। हाँ, स्पॉटेड डियर, सामर डियर, ये काफी सारी बर्ड मिलेगी गाड़ी जो स्पीसीज है। और क्यों पाए ये देखिए, ये देखिए क्या नाम है इसका, एंटीलोप। ये एंटीलोप लगी हुई है जी, इसका ये घायल है, इसके चोट लगी हुई है, दवाई लगा दूं, फाइटिंग से लग गया इनके। ये देखिए पहला जानवर हमें मिलता है, हम काउंट करते चलेंगे। ऐसे जानवरों को रेस्क्यू करके ही तो वो करो। देखिए ये इसको इंजरी हो गई है यहाँ पे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसे हिंदी में वो बोलते होंगे यार, एंटीलोप। एंटीलोप ग्रुप होता है जिसमें कई सारे डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे शरीर में। तो ये देखिए अपने चाट कर इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। देखेगी ये, देखो ये वाइल्ड एनिमल ही तो है, और क्या है ये। नियम है जो हमको फॉलो करने होते हैं, जब भी यहाँ पे कोई जानवर दिखता है तो शोर नहीं करना है, धीरे से एक आवाज को बताना है कि वो जानवर है, बिकॉज जानवर आवाज सुनकर दूर भाग जाते हैं, तो इसलिए हमें धीरे से रहना है और गाड़ी से तो बिल्कुल ही नहीं उतरना है। ये शेर ले जाके जाए, उड़ तो गए, मैं जब ही तो उड़ गए। पक्षी भी है यहाँ पर, विन विन पर जाती होगी, बात ही बात ही। लोग जंगल थोड़े और घने होते जा रहे हैं, हमें विभिन्न प्रकार की भैंसे, जंगली बफेलो मिल रही हैं। इनके हेयर भी लाल कराए हैं इन्होंने। ओ थोड़ा ये थोड़ा खतरनाक रास्ता है यहाँ पर, रास्ते पे थोड़ा पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है, थोड़ा पत्थर का रास्ता है, थोड़ा हाइट पे आ गए नीचे से, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई जानवर है। ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 800 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, कितने टाइगर हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पे भैया ने बताया तो 20 टाइगर्स हैं। 20 टाइगर्स हैं, तो हमारी किस्मत अच्छी हुई तो मिल सकता है यहाँ पे, और क्योंकि 20 टाइगर्स हैं और एरिया काफ़ी बड़ा है तो मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो भी ना। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हमको टाइगर मिल पाएगा? क्या हम टाइगर को ढूंढ पाएंगे? तो जानने के लिए वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, जल्दी सब्सक्राइबर कीजिए। बताइए, कभी भी आप आओ तो आगे वाली सीट पर बैठो, क्योंकि पीछे वाले को फिर दिखता नहीं है, आगे वाले खड़े हो जाते हैं, तो कोशिश करो कि आगे बैठे। पीछे से मार सकते हैं इनकी, ये तो सही है। हाँ, अगर नंगे चल रहे हो तो।